हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आपका एसएससी बैंक क्लासेस में स्वागत है। यह हमारी सीटिंग अरेंजमेंट की वीडियो है जिसमें हम नेक्स्ट अपना सीटिंग अरेंजमेंट किए करेंगे। हमने जो भी पहले वीडियो की हैं, आप सब लोगों से उम्मीद है कि आप सब लोगों ने देख ली होंगी। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है, कृपया पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो बड़े ही अच्छे से बिल्ड हो जाएं और आप सीटिंग अरेंजमेंट की कोई भी पर्सन और थिंग अरेंज करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलो ज्यादा वक्त ना लेते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट का आई थिंक क्वेश्चन आपको अच्छे से दिख रहा होगा। डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 56-60। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। पहली जो हमें डायरेक्शन दी गई है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 पीपल आर सीटिंग अराउंड सर्कुलर फेसिंग द सेंटर। एक सर्कल के अराउंड बैठे हैं और सेंटर की तरफ फेसिंग है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, पर जरूरी नहीं है इसी ऑर्डर के अंदर हो। बी सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, जो बी है वो सेकेंड लेफ्ट पे बैठा है एच के हस्बैंड के सेकेंड लेफ्ट पे बी बैठा है। यहां पे नोट कर लेता हूं मैं। एच यू बी लिख लिया मैंने, हस्बैंड एच के हस्बैंड के सेकंड लेफ्ट पे बी बैठा है, ये मैंने यहां नोट कर लिया है। बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच हस्बैंड, नो फीमेल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। बी क्या इमीडिएट नेबर कोई भी फीमेल नहीं है, तो बी का इमीडिएट नेबर फीमेल के लिए मैं ये साइन ले लेता हूं। ये साइन हमारा फीमेल के लिए है, कोई भी नेबर में बी के नेबर में फीमेल नहीं है। डायरेक्शन थर्ड पे चलते हैं। थर्ड डायरेक्शन, डीज डॉटर, जो डी की डॉटर है, सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। डीज डॉटर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, ये एफ हो गया इसका फर्स्ट राइट, सेकंड राइट पे डीज एफ से सेकंड राइट पे डीज डॉटर। एफ इज द सिस्टर ऑफ जी, एफ जो है वो जी की सिस्टर है। इसको मैंने बॉक्स में लिख दिया है क्योंकि ये एक रिलेशन दे रखा है। एफ जो है वो जी की सिस्टर है, तो सिस्टर के लिए मैंने माइनस का साइन लगा दिया है और जी से एफ रिलेटेड है, सिस्टर है, उसी जनरेशन में है। एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच हस्बैंड, एच के हस्बैंड का जो इमीडिएट नेबर एफ नहीं है, जो एच हस्बैंड है इसका इमीडिएट नेबर एफ नहीं है। ठीक है, इसका इमीडिएट नेबर एफ नहीं है। चलो, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में एक ही बंदा बैठा है, तो यहां लिख लेता हूं मैं वन पर्सन, ये तो सॉरी एफ की डॉटर है ना, ए और एफ के बीच में एक ही बंदा बैठा है, मैंने यहां लिख लिया ए और एफ के बीच में एक बंदा बैठा है। ए इज द फादर ऑफ जी, ए इज द फादर ऑफ जी, जो हमारा ए है वो जी का फादर है, ए इज द फादर ऑफ जी, तो ये भी हमारे पास ब्लड रिलेशन है, ए इज द फादर ऑफ जी, इसे भी मैंने बॉक्स में लिख लिया है क्योंकि हमारे पास ब्लड रिलेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है, ए इज द फादर, अगर फादर है इसलिए मैंने इसके ऊपर प्लस लगा दिया कि ये जो जी का ये फादर है। अब आगे चलते हैं। एच ब्रोदर, एच का जो भाई है डी, एच ब्रोदर डी सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच मदर, जो एच का भाई है डी, एच का भाई डी है, डी इज एच ब्रोदर, एच ब्रोदर डी, डी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच मदर, एच मदर के इमीडिएट लेफ्ट पे, डी इमीडिएट लेफ्ट पे एच मदर।
ये हमारी एच की मदर के इमीडिएट लेफ्ट पे हमारा डी हो गया। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एच मदर एंड ई। एच की मदर के और ई के बीच में एक ही बंदा बैठा है, एच की मदर और ई के बीच में। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एच मदर एंड ई। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एच एंड जी। एच और जी के बीच में भी एक ही बंदा बैठा है, एच एक बंदा जी। उसके बाद में देखते हैं, जी इज दी मदर ऑफ सी। जी इज दी मदर ऑफ सी, जो हमारा जी है वो मदर है किसकी, सी की। यहां लिख लेता हूं मैं, ये जो मैंने ये बनाया, ये जनरेशन बना दी, इसके नीचे वाली जनरेशन में सी है और सी की जो मदर है वो जी है। ठीक है, जी सी की जो मदर है वो जी है और जी का फादर ए दे रखा है। जी इज द मदर ऑफ सी। जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, जी और ई इमीडिएट नेबर नहीं है, ये भी दे रखा है। अब हम इसे बनाने की कोशिश करते हैं, हमने अपना क्वेश्चन पूरी तरह नोट कर लिया है शॉर्ट नोट के अंदर। हमें यहां पे दिया गया है एच हस्बैंड। एच का अगर हस्बैंड है तो एच गर्ल या वो सॉरी वुमेन होगी, अगर एच का हस्बैंड है तो एच लेडी होगी, ये पता चल रहा है हमें। ठीक, और क्या क्या पता चल रहा है। चलो सबसे पहले हम ब्लड रिलेशन को थोड़ा जचाने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे हमारे ब्लड रिलेशन ही है ये पुट हो सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि एक जो फादर है जी का, तो ये मैंने लाइन लगा ली है यहाँ पे, इससे नीचे हम अपने ब्लड रिलेशन को पुट करने की कोशिश करते हैं। ए फादर है जी का, ठीक है, मैंने यहाँ पे ए लिख दिया फादर और ये जी लिख दिया यहाँ पे। जी मदर है सी की, तो जी के लिए माइनस साइन क्योंकि ये वुमेन है और उसके बाद में सी सी, और जो जी की जो बहन है वो है एफ, ये बहन लगा के मैंने एफ इस सेम जनरेशन में एफ पुट कर दिया कि इसकी बहन है। ठीक है, उसके बाद में हमें जो पता चल रहा है, हमें जो दे रखा है वो क्या क्या और है, ये होने के बाद में हमें एक ये चीज दे रखी है कि एच मदर मींस, इसका मींस जो एच है उसकी कोई ना कोई मदर है, तभी तो इसने दे रखा है। तो इसको यहां देखता हूं मैं, एच एच की कोई ना कोई मदर है, यहां पे मदर पुट कर दिया मैंने। अब एच की मदर हो गई डीज डॉटर, कोई डी है उसकी डॉटर भी है, पर जो एच और डी में दे रखा है कि एच जो है वो है फीमेल और एच का जो भाई है वो है डी, और डी की डॉटर है डीज डॉटर, डी की कोई ना कोई डॉटर भी है, तो हमने ये पुट कर लिया। अब हम देखते हैं कि जी और एच के बीच में एक है, ये इसके नेबर नहीं है, इसके नेबर नहीं है, ये देखो अब ये सारी चीजें हमें दे रखी हैं, ये सारी चीजें हमें दे रखी हैं। अब हमें क्या क्या और फाइंड आउट कर सकते हैं इनसे, हम क्या और पता लगा सकते हैं वो देखते हैं। अब हमें एक चीज ये भी दे रखी है कि एच हस्बैंड, तो एच का कोई ना कोई हस्बैंड भी होगा, तो यहां पे लिख लेता हूं मैं एच को, हस्बैंड को डबल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, एच का ये हस्बैंड हो गया। ठीक है, अब मैं इसको और इसको अगर मैं मिलाने की कोशिश करता हूं तो कैसे मिला सकता हूं। सबसे पहले तो देखो, अगर ए प्लस है ये माइनस है, तो हो सकता है ये ए की वाइफ हो सकता है ना। अगर मैं ये ए की वाइफ बना देता हूं, उसके बाद में मैं देखता हूं ए की इसकी वाइफ का एक एच हो गया जो कि लड़की है, इसकी वाइफ का बेटा हो गया डी, फिर ये जो ए और इसकी वाइफ है इसी का जो लड़की हो गई जी, इसी की लड़की हो गई एफ, तो इसके कितने बेटे हो गए, एक दो तीन चार, चार बेटे, एक ये ए एक ये, पांच छे छे, और एच का हस्बैंड सात, सात हो गए, और उसके बाद में एक सी आठ, और एक ये यहाँ पे जो आएगा नौ, ये तो मेंबर ही आठ से ज्यादा हो गए, तो ऐसे तो नहीं बना सकते, ये इसके साथ मैरिड तो नहीं दिखा सकते। अब दूसरा कोई रास्ता अगर हो सकता है तो देख सकते हैं हम,
और क्या हो सकता है? ए से ये दोनों नीचे हैं, फिर ये दोनों नीचे हैं, तो हम बना सकते हैं, अगर मैं ए को इससे मैरिड करवा दूं, अगर ये जो ए है प्लस, अगर मैं ए को यहाँ पे एच से मैरिड ए को करवाता हूँ, क्या बन सकता है हमारा डायग्राम? अगर ए यहाँ आ जाएगा, ए के नीचे फिर जी और एफ आ जाएंगे, और जी की बेटी जो है वो सी हो जाए, सॉरी, जी के नीचे सी आ जाएगा, डी की एक बेटी हो जाएगी, तो फिर कितने, 1 2 3 4, चार बंदे तो यहाँ आ जाएंगे, 5 6 7 8, ये हो सकता है क्योंकि इसमें 8% पूरे बैठ रहे हैं। चलो करके देख लेते हैं एक बार। अगर मैं ए को यहाँ पुट करता हूँ, ए के नीचे हमारा जी आ जाएगा, जी भी लड़की है और उसकी बहन एफ है, और एफ और जी की जो सन और चाइल्ड है वो हमारा सी है, और डी के भी एक बेटी है, तो अभी ये बन गया है हमारा, इतना बन गया, हमने इतना कंफर्म कर लिया है अपना डायग्राम। अगर मैं इसी में एक चीज और देखना चाहूं, जो एच की मदर है उसके एक छोड़ के, उसको एक छोड़ के ई आएगा, तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि एच की मदर और ई अलग अलग होंगे, एच की मदर की जगह पे ई नहीं आ सकता। अगर एच की मदर की जगह पे ई नहीं आ सकता और दो ही प्लेस खाली है, तो ई यहीं आ जाएगा, ई हमारा यहाँ आ जाएगा, और एच की मदर जो बच गया, क्या बच गया हमारे पास, बच गया ए, बी बच गया है, आई थिंक बी यहाँ पे आ जाएगा, अलग से लिख देता हूं मैं, बी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अभी हमारा लगभग कंप्लीट होने ही वाला है, बस सी का जो जन वो है जेंडर पता नहीं चला है। चलो डायग्राम बनाते हैं, क्या पता डायग्राम के साथ साथ हमें पता चल जाए। चलो डायग्राम स्टार्ट करते हैं, अब इसको अरेंज करना। चलो फिर अभी इसको कंप्लीट करते हैं, कैसे कंप्लीट करेंगे वो देखते हैं। मैं थ्रेड मेथड से ही बनाऊंगा क्योंकि इसमें एक ही डायरेक्शन दे रखी है, तो आसानी से हम बना सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल रही है। जो एच का हस्बैंड वो यहाँ तो कनेक्ट हो रहा है बी से, फिर ये यहाँ पे एफ नहीं आएगा, ये इसके साथ में कोई भी लड़की नहीं होनी चाहिए, एफ से एक छोड़ के डी का डॉटर होनी चाहिए, डी की डॉटर होगी हमारी ई, ये ई से कनेक्ट होगा, डी की डॉटर ई है हमारी, और एफ से एक छोड़ के ए होना चाहिए, और ई से कनेक्ट ये हमारी डीज मदर बी हो रही है, तो डी की एच की मदर के इस साइड ये होना चाहिए, ये भी हमें दे रखा है, और उसके बाद में चलो डी की डॉटर से स्टार्ट करते हैं, हम कोशिश करते हैं डी की डॉटर से बनाने की। डी की डॉटर हमारे पास पता है ई है, तो ई यहाँ हो गया, डी की डॉटर ई हो गया। अब ई यहाँ हो गया तो हम क्या देख रहे हैं कि ई यहाँ होने के बाद डी की डॉटर उसका जो एफ से सेकंड लेफ्ट पे आनी चाहिए, तो 1 2, ये एफ यहाँ हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड पे ई आ जाएगा, तो हमारी ये जो कहानी, इसकी कथा पूरी हुई। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं कि एफ से एक छोड़ के ए होना चाहिए, अगर एफ से एक छोड़ के ई है तो एफ से एक छोड़ के ए यही होगा, मीन्स एफ यहाँ ए यही होगा, क्योंकि ए से एक छोड़ के, एफ से एक छोड़ के ही तो ए हुआ, क्योंकि थ्रेड मेथड से बना रहे हैं, एक दूसरे जो एंड होते हैं वो कनेक्ट होते हैं, तो 1 2 3 4, चार बंदे हो गए, 5 6 7 8, पूरे टोटल 8 हो गए, तो एफ से एक छोड़ के ए भी आ गया हमारा। अब हम देख रहे हैं कि एच की मदर हमारे पास बी है, बी और ई में एक का अंतर होना चाहिए, तो बी यहीं आएगा, तो बी यहीं आएगा, बी यहीं आएगा ना, कि एच की जो मदर थी, एच की मदर थी बी, बी से एक छोड़ के ई, और बी के इमीडिएट लेफ्ट में डी होना चाहिए, बी के इमीडिएट लेफ्ट में हमने डी भी पुट कर लिया है, अब बी के इमीडिएट लेफ्ट में डी पुट कर लिया है, तो हमने ये वाली बात भी मान ली इनकी, और जी और ई साथ में नहीं होने चाहिए, तो ई जी यहाँ नहीं आ सकता, तो जी को यहाँ क्रॉस कर दूंगा मैं कि जी यहाँ नहीं आ सकता, अगर जी यहाँ नहीं आ सकता तो जी के लिए जगह बची 2, जी के लिए कितनी जगह बची 2। अब हमें क्या पता है कि जो एच का हस्बैंड है उसके फर्स्ट एंड सेकंड टू दी लेफ्ट पे बी होना चाहिए,
भाई एच का जो हस्बैंड ए है, ए के सेकंड टू द लेफ्ट फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड टू द लेफ्ट पे बी है, बिल्कुल है। अगर बिल्कुल है तो फिर ये डी भी पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव है, ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पे जो भी बंदा आएगा वो एक मैन होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बोल रखा है कि बी के पास में कोई भी लड़की नहीं आएगी, बी के पास में कोई भी लड़की नहीं आएगी, तो कौन आएगा, लड़का। तो ये प्लस, और डी तो हमारा पॉजिटिव है, प्लस है, और जो हमारा बी है वो माइनस का साइन है, मीन्स गर्ल है, और ई भी हमारा माइनस का साइन यानी कोई लड़की है, और जो जी है वो भी कोई लड़की है, एफ भी कोई लड़की है, और उसके बाद में सी का हमें जेंडर अभी तक मालूम नहीं है। तो अभी देखते हैं हम, जो जी है, अगर जी यहाँ नहीं आ सकता, और जी जो है वो है फीमेल इन जेंडर, फीमेल इन जेंडर है, और जी यहाँ नहीं आ सकता, पर यहाँ पे तो फीमेल आ ही नहीं सकती, तो यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, तो जी की जगह बची सिर्फ यहाँ, यहाँ जगह बची। और अब हमें क्या पता है कि जो क्या बच गया हमारा, हमारा बच गया है एच, और जी से एक छोड़ के एच आएगा, तो जी से एक छोड़ के एच, पर यहाँ पे तो प्लस साइन मीन्स मैन आना चाहिए, पर जो हमारा एच है वो है एक फीमेल, तो एच यहाँ आ जाएगा, एच यहाँ आ जाएगा, ये फीमेल, एंड जो सी है वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा का मतलब है कि सी एक मेल मेंबर होगा, सी एक मेल मेंबर होगा, सी एक मेल मेंबर होगा ना। तो देखो बन गया हमारा ब्लड रिलेशन भी बिल्कुल तैयार हो गया ये, और हमारा जो डायग्राम था वो भी थर्ड मेथड से बिल्कुल रेडी हो गया, ठीक है, वो भी थर्ड मेथड से बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 56 आपके सामने है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू हिज मदर इन लॉ, ए की मदर इन लॉ से ए की पोजीशन। तो अभी पहले ब्लड रिलेशन में जाके देखते हैं, ए की मदर इन लॉ, ए की वाइफ की मई, बी, बी से ए की पोजीशन हमें देखनी है, और अब हम डायग्राम में आए, बी से ए की पोजीशन फर्स्ट एंड सेकंड टू दी राइट, सेकंड टू दी राइट, तो इमीडिएट लेफ्ट, थर्ड टू दी राइट, थर्ड टू दी लेफ्ट, सेकंड टू दी राइट, फोर्थ टू दी लेफ्ट, हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल सही है, सेकंड टू दी राइट, सेकंड टू दी राइट। अब क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू हिज ग्रैंड चाइल्ड, ए की पोजीशन हमें निकालनी है उसके ग्रैंड चाइल्ड के रिस्पेक्ट में। तो ए का ग्रैंड चाइल्ड देखते हैं सबसे पहले, ए का ग्रैंड चाइल्ड हुआ हमारा सी, सी से ए की पोजीशन, सी से ए की पोजीशन निकालने के लिए डायग्राम की तरफ, सी से ए की पोजीशन इमीडिएट, इमीडिएट राइट, इमीडिएट राइट, ए प्लस है क्योंकि ए एच का हस्बैंड है, इमीडिएट राइट। अब मैं इमीडिएट राइट जब देखता हूं तो फर्स्ट ही ऑप्शन में मुझे इमीडिएट राइट मिल जाता है, तो मुझे क्या बाकी जो चार ऑप्शन और हैं उन्हें पढ़ने की जरूरत है, नहीं, मैं उन्हें पढ़ के अपने एग्जाम में अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं, इससे अच्छा है कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा और जल्दी करूंगा, उसमें समय बचा के जो लास्ट में एक एक मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अनलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन एंड सो फॉर्म अ ग्रुप विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, एफ सी ई एच जी। अब इसमें क्या डिफरेंस है वो देखना है हमें, एफ सी एच ई, एफ एक लेडी है, सी एक जेंट है, एच एक लेडी है, एफ सी एच ई, एफ और सी हमने देख लिया, एफ भी लेडी है, सी जेंट है, उसके बाद में ई और एच, ई भी लेडी है, एच भी लेडी है, और जी, जी भी लेडी है, तो इसका मतलब इनमें से कौन अलग है, सबसे अलग है सी, सी अलग है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज अवर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड इज अवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द गिवन सिटिंग अरेंजमेंट, इस सिटिंग अरेंजमेंट में जो दिया गया है उसके आधार पे कौन सी चीज बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन सॉरी फर्स्ट ऑप्शन है, सी इज द कजन ऑफ ई, सी इज द कजन ऑफ ई, देखना
सी और ई में तो भाई जनरेशन डिफरेंस हो गया, कजन तो हो ही नहीं सकती क्योंकि कजन तो सेम जनरेशन में आएगी, तो ये बिल्कुल गलत है। एच एंड एच हस्बैंड, एच का हस्बैंड कौन था? एच का हस्बैंड था ए। एच और ए आर इमीडिएट नेबर ऑफ इच अदर, क्या देखते हैं सच में। एच और ए में तो दो बंदे बीच में बैठा रखे हैं, हस्बैंड वाइफ साथ में बैठे ही नहीं, तो ये जो इमीडिएट नेबर ऑफ इच अदर ये वाली लाइन गलती। अब थर्ड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। नो फीमेल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी, नो फीमेल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी, क्या ये लाइन सही है? सी का इमीडिएट नेबर पे कोई भी फीमेल नहीं है, पर बी तो फीमेल है, अगर बी फीमेल है तो वो लाइन गलती, हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड भी गलती। एच सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ हर डॉटर, जो हमारा एच है वो थर्ड लेफ्ट बैठा है उसकी डॉटर के। एच सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ हर डॉटर, एच की डॉटर सबसे पहले देखते हैं। एच एच की डॉटर जी और एफ, जी और एफ के थर्ड लेफ्ट पे एच बैठा है। एच का फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सॉरी नहीं बैठा, नहीं बैठा तो ये भी लाइन गलती। तो लास्ट वाली लाइन है बी इज द मदर ऑफ एच, क्या सही है? हम अपने ब्लड रिलेशन में चलते हैं, बी इज द मदर ऑफ एच, बिल्कुल 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 सही है, हमें अपना ऑप्शन मिल गया, फिफ्थ ऑप्शन इज ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66। हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, कि इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी पे कौन बैठा है? डायग्राम की तरफ चलते हैं। इमीडिएट लेफ्ट पे बैठा है भाई बी, और जो बी है वो क्या है? एच की माता है, डी की भी मम्मी है और ए की सासू माँ है, तो एफ्स ग्रैंड मदर, देखते हैं एफ की ग्रैंड मदर, और क्या क्या ऑप्शन है? जीज सन, जी का सन तो बी हो ही नहीं सकता। डीज मदर इन लॉ, डी की मदर इन लॉ नहीं है, डी की मम्मी है। ए ए ए ए ए भी नहीं है, और जी जी भी नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एफ की जो ग्रैंड मदर है वही सही होगा, क्योंकि एफ एफ की मम्मी एच, एच की मम्मी बी, तो एक्चुअली में इन्होंने ग्रैंड मदर ही दे रखा है, वैसे तो नानी हो जाएगी, पर इनके ऑप्शन के अनुसार तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही बन रहा है, क्योंकि जो बाकी ऑप्शन है वो तो बन ही नहीं रहे, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा। तो हमने आज का जो ये सीटिंग अरेंजमेंट वाला अरेंजमेंट ब्लड रिलेशन के साथ जो किया, वाओ क्या अच्छा अरे सीटिंग अरेंजमेंट दे रखा था इन्होंने, ब्लड ब्लड रिलेशन साथ में कंबाइन करके काफी अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट बना रखा था। तो ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग और इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है ये, जो कि पेपर में आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है अगर ये मेंस में आ गया, अगर किसी बच्चे ने पजल नहीं की हुई, अच्छी अच्छी पजल नहीं बनाई हुई, तो वो इसमें 1 घंटे तक अपना टाइम लगा सकता है। तो इसीलिए ही आपकी जो जो प्रैक्टिस है अच्छी अच्छे क्वेश्चन की भी करवाई जा रही है, ताकि आप जो अपनी स्पीड है वो अच्छी तरह मेंटेन कर सकें। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक करें, और जो भी कमेंट, जो भी आपको तकलीफ है, जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी आपको समझ नहीं आया है इस अरेंजमेंट में या फिर पहली वीडियो वाली अरेंजमेंट्स में, तो आप अपनी जो तकलीफ, आप अपनी जो प्रॉब्लम, जो आप अपना क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।